वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो बहुत ही टाइम से मेरे पास रिक्वेस्टेड थी और आप लोग इसे देखना चाहते थे माइक्रोवेव में। तो आज मैं आपके साथ चूरमा लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये लड्डू जो है गेहूँ के आटे से बनते हैं और सबसे स्पेशल बात है मेरी इस स्पेशल रेसिपी में कि इसको हम बिना तले बनाएंगे, यानी जब चूरमा बनाया जाता है तो उससे पहले इनको तला जाता है यानी डीप फ्राई किया जाता है। तो आज बहुत ही हेल्दी वर्जन में बताने जा रही हूँ माइक्रोवेव में चूरमा लड्डू। गणेश चतुर्थी चल रही है तो भगवान गणेश जी को आप भोग लगा सकते हैं और सर्दियाँ आने वाली है, ये चूरमा लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो चलिए फिर सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं चूरमा लड्डू। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम चूरमा का डो लगाएंगे। अब डो लगाएंगे गेहूं के आटे का, जो भी आटा आप गेहूं का इस्तेमाल करते हैं डेली वे में आप वो लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा इस्तेमाल किया है। ग्राम में बात करूँ तो ये 250 ग्राम आटा है। और इसके बाद देखिए इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। देखिए यहाँ पर घी पड़ेगा 2 चम्मच। अब देखिए हम अच्छे से घी को आटे के साथ मिक्स करेंगे, जैसे हम मुयान लगाते हैं ना, जैसे कचौड़ी बनाने के लिए, समोसा बनाने के लिए, गुजिया बनाने के लिए, सेम इस तरीके की बाइंडिंग हो जाए जब तब आपको आटा लगाना है। अब चूरमा का जो आटा लगता है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, नॉर्मल चपाती का जो हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए इस तरीके का। मैं दिखाती हूँ तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और इसका इस तरीके से एक थोड़ा सा हार्ड सा डो लगाइएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरीके से जैसे कि मैंने लगाया है, और बस बहुत ज़्यादा इसे मसलना नहीं है। तो 2 मिनट के लिए हम साइड पे रख देते हैं आटा। और यहाँ पर हम अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे और माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे हम कन्वेक्शन मोड पे। 200 टेम्परेचर हमें लेना है और 10 मिनट का टाइम लगाना है, क्योंकि अभी देखिए हमें जो चूरमा की लोइयां हैं उन्हें बेक करना है, थोड़ा सा वो थिक होती है तो इसलिए हम 200 टेम्परेचर ले रहे हैं और 10 मिनट का आपको टाइम लगाना है। तो जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है देखिए इस तरीके का माइक्रोसेफ तवा, मल्टी कुक तवा जो आता है माइक्रोवेव के साथ। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखना है, अब आटे को आपको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, रफ़ कोर्स ही रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। बस इस तरीके से आप छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे और कुछ नहीं करना है बस इस तो इस तरीके से ये देखिए फिंगर का आप निशान लगाएंगे इस तरीके की शेप का, और इस तरीके से आप मल्टी कुक तवे के ऊपर रखेंगे। देखिए ये हमें क्यों करना पड़ता है, इससे देखिए ये जो मुठियाँ हैं ये बेक जल्दी होती है, क्योंकि ये बहुत मोटी होती है मुठिया तो बेक होने में टाइम लगता है। बाहर से तो ये बेक हो जाते हैं पर अंदर जो आटा है वो कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके के निशान आपको ज़रूर लगाने हैं ताकि जो है अंदर तक जो हमारी मुठिया है वो बेक हो जाए। तो बस सारी मुठिया हम इसी तरीके से बना देंगे, बहुत ज़्यादा मेरे लड्डू बनने वाले हैं 2 कप आटे में। अब यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव भी प्रीहीट हो गया, अब तवे को रखिए। लोअर रैक तो आपको रखना ही है, कन्वेक्शन मोड आपको सेलेक्ट करना है। अब की बार आपको 180 डिग्री पे 20 से 30 मिनट का टाइम लगाना है। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर हर एक माइक्रोवेव का अलग अलग होता है, तो आप टाइम को ऊपर नीचे अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। मैंने 20 मिनट का टाइम लगाया लेकिन मेरे माइक्रोवेव ने मुठिया को बेक होने के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम लगाया। हो सकता है आपका 35 मिनट का टाइम लगाए तो मैंने 10 मिनट और बढ़ा दिए थे। और बस ये देखिए निकाल लेते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए विदाउट ऑयल विदाउट फ्राई ये हो गई हमारी मुठिया बेक, कितने अच्छे से बेक हुई है ये देखिए, बहुत ही अच्छे से। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी हम मुठिया को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद देखिए हम इनको तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, हमें इनको तोड़ना है क्योंकि हमें इन्हें अभी ग्राइंड करना है। तो बस इस तरीके से ये देखिए सारी मुठिया आप तोड़ के इस तरीके से ट्रे में डालेंगे और उसके बाद आपको मिक्सी जार लेना है। अब आपको मिक्सर ग्राइंडर लेना है जिसमें आप ग्राइंड करते हैं दाल वगैरह पीसते हैं, उस जार में आपको ये जो मुठिया है वो आपको पीसना है। तो इस तरीके से ये देखिए आपको दरदरा सा पीसना है इनको। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, बहुत बारीक पाउडर आप ना बनाएं, नहीं तो लड्डू एकदम आटे जैसे हो जाएंगे, जैसे आटे को भून के हम लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि
चूरमा दानेदार होता है, तो इसीलिए इस तरीके का रफ कोर्स चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें इन्हें छानेंगे। तो छानेंगे हम इसलिए क्योंकि देखिए हमने बेक की थी मुठिया, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें मोटा दाना रह गया हो, तो इस तरीके से आप छान लीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का कोर्स रह जाता है इसमें। ये देखिए थोड़ा बहुत मेरा ये बच गया है, और ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है इसको मैं मिक्सी जार में चला दूँगी। और इस तरीके से देखिए दो बार छाना मैंने, तो ये जो मिक्सचर है रेडी हो गया है चूरमा का। इस तरीके का हमें फाइन सा कोर्स मिल जाएगा। अब डालने हैं हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो बादाम इस तरीके से मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, काजू और किशमिश। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो डालिए। जितनी क्वांटिटी में डालना है आप उतनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि मैं इसमें ऑयल या घी का बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ड्राई फ्रूट हमें विदाउट घी के फ्राई करने हैं। तो रोस्ट करना है आपको एक मिनट के लिए माइक्रो मोड पे 900 वॉट पे। और ये देखिए ड्राई रोस्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर गुड़ के चूरमा लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। देखिए चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ ही इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ मैंने 175 ग्राम के करीब लिया है, और इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट के और डाल दिया है माइक्रो से बाउल में, है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 चम्मच, और माइक्रो मोड पे हम मेल्ट कर लेंगे, यानी 720 का हमें पावर रखना है और 2 मिनट का टाइम लगाना है। बीच में 1 मिनट हम चला देंगे गुड़ को ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए अब हम गरम गरम गुड़ का सिरप जो है चूरमा मिक्सचर में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए सिरप डाल दिया है गुड़ का। इस तरीके से देखिए आपको मिक्स करना है, इसमें आपको घी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स करना है गरम गरम, ताकि जो है चूरमा का मिक्सचर अच्छे से सिरप में लग जाए। अब यहाँ पर 1 चम्मच आपको घी डालना है, तो टोटल मैंने 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, यहाँ पर आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है खसखस यानी पॉपी सीड, ये आपको डालने हैं। जब हम बाइट लेते हैं ना चूरमा की, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसका स्वाद बहुत मज़ेदार होता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा खसखस। तो 2 चम्मच मैंने खसखस डाला है, अच्छे से हमें मिक्स करना है। और ये देखिए इस तरीके की बाइंडिंग आ जाएगी, बहुत अच्छे से बाइंडिंग आई है, क्योंकि सिरप भी मैंने एकदम एक्यूरेट आपको बताया है। मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो गई तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी, इस तरीके की बाइंडिंग नहीं होगी। अब बना लेते हैं हम चूरमा लड्डू। तो बस इस तरीके से आपको मीडियम शेप के लड्डू बनाने हैं, बस हाथ में हल्का सा लीजिए और रोल करिए। ये देखिए हमारे गोल गोल लड्डू बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पर खसखस यानी पॉपी सीड्स में हम इस तरीके से कवर करेंगे इनको, ताकि और भी सुंदर दिखे हमारे चूरमा लड्डू और लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाए। तो ये देखिए कितने सुंदर लड्डू बनाए हैं, और सारे लड्डू हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ढेर सारे लड्डू हमारे तैयार हो गए 2 कप गेहूं के आटे में। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, भगवान जी को चढ़ाइएगा, सर्दियाँ आने वाली है, अपने बच्चों के लिए बनाइएगा, अपने लिए बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, विंटर में तो ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी। दिवाली आने वाली है, दिवाली में आप इन्हें ज़रूर बना के अपने मेहमानों को खिलाइएगा। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चूरमा लड्डू बने हैं। मार्केट से जो आप चूरमा लड्डू लाओगे ना, उससे भी बढ़िया, क्योंकि आजकल तेल का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ चूरमा लड्डू की रेसिपी शेयर की, ताकि बहुत ही हेल्दी वर्जन में आप चूरमा लड्डू बना सके, बिना झिझक के आप भी इंजॉय करिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, अपने बड़ों को भी दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी हो और जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और उसके बाद अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।